ये देखो प्यारे बच्चों, एक आसान सा सवाल है। इसमें ये कहा जा रहा है रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स दिया हुआ है, दो वेव्स हैं, तो अगर उनकी इंटेंसिटी का रेशियो ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, तो इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी I1/I2, इंटेंसिटी रेशियो यहाँ दिया हुआ है 4:1, ठीक है, तो हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इंटेंसिटी I1/I2 को मैं A1/A2 का होल स्क्वायर निकाल सकता हूँ। तो एम्पलीट्यूड रेशियो यहाँ से मुझे दिखने लगेगा, A1/A2 की जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी I1/I2 अंडर रूट, और I1/I2 4/1 है अंडर रूट, तो 4/1 मतलब 2/1, 2/1 मतलब 2:1। तो ये एक आसान सवाल था, 2:1, दैट इज ए ऑप्शन सही है।